like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaaz India. Unchi Awaaz India में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज आपको हम लोग ऐसे मकाम पर ले जा रहे हैं जो शहर का मुस्लिम इंतजामिया हॉस्पिटल है और कामयाबी के साथ रवा दवा है। शहर के कल्ब में वाकई शिवाजी नगर में HBS हॉस्पिटल यकीनन एक जीता जागता सबूत है मिल्लत इस्लामिया की मोहब्बतों का, वहां के मुखलिस अहबाब का और वहां के डॉक्टर्स का, वहां के स्टाफ की मेहनतों का नतीजा कि आज ये सिर्फ शहर बेंगलोर ही नहीं बल्कि पूरी रियासत में अपनी एक पहचान बना चुका है। शहर के HBS हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से यहां पर डायलिसिस का वो वाहिद सेंटर है जो 40 बेड पर मुश्तमिल है और आपको यकीनन ये जानकर ताज्जुब होगा कि यहाँ के मरीजों के लिए उनकी दवाइयों के इंतजाम के अलावा, उन्हें फ्री डायलिसिस के अलावा, बच्चों के लिए स्कूल की फीस के इंतजाम के अलावा उन्हें राशन वगैरह फराहम किए जाने का बरसों से इंतजाम जारी है और इस मरहले पर COVID-19 की जिस तरह की वबा फैली है पूरे मुल्क में, जिस तरह बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह इस वबा से लोग परेशान हैं, ऐसे परेशान कुन लम्हात में भी यहाँ के डॉक्टर मोहतरम डॉक्टर जफर साहब जो डायलिसिस इंचार्ज हैं की मातहत में मुस्तकिल काम जारी है। हमारी खुशबख्ती कि आज हमारे दरमियान डॉक्टर जफरुल हक साहब मौजूद हैं जो डायलिसिस इंचार्ज भी हैं और इस हॉस्पिटल के अमले के एक अहम रुकन माने जाते हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि COVID-19 की हकीकत क्या है और इसकी रोकथाम के सिलसिले में हमारे इकदाम क्या हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं डॉक्टर जफरुल हक साहब से। जी डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल में और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों एक वबा फैली हुई है COVID-19 से मुताल्लिक और लोगों में इस खुसूस में बहुत बेदारी की कमी का हवाला दिया जा रहा है, क्या समझते हैं डॉक्टर साहब इस सिलसिले में? सब शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा कि आपने लिया। बहुत से लोग खासकर हमारी कौम के लोग अभी तक इससे बेखबर है कि क्या वबा है। एक्चुअली बहुत ही सीरियस बीमारी है, ऐसा नहीं है जैसे फ्लू और H1N1 चिपके ये जो बीमारियां आती चली जाती थी, इस वाली टाइप की नहीं है। ये बहुत जल्द फैलती है और जिसको लगती है बहुत सीरियस है। इसका ये मतलब है जिसको भी लगती है सारे के सारे मर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसको भी ये इफेक्ट करती है वो उनकी जान के पड़ जाते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात, इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक, कोई भी इलाज नहीं। जितने भी हो रहे हैं बस वो एक मुद्दत के लिए पेशेंट को डालते हैं, जब तक वायरस जिंदा है उसको पेशेंट को जिंदा रखेंगे, जब तक वो बच गया नहीं बचा तो उसको जान के फैलेंगे। इसके लिए फिलहाल हमारे पास जो हथियार हैं, एक तो है कि इससे बच के रहें। इसके बच के रहने का सबसे ज़रूरी है कि आप घरों में रहें, क्योंकि इतनी फैली हुई है और 80% बीमार, उनको कुछ सिम्टम्स नहीं होते, उनको कुछ भी मालूम नहीं कि उनको बीमारी है, ऐसे लोग ये बीमारी फैला सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप घरों में रहें। दूसरी बात, अगर घर से बाहर निकले तो आपका प्रोटेक्शन करें, खासकर मास्क पहने। मास्क का मतलब ये नहीं कि आप मास्क पहने तो इस बीमारी से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी एक प्रोटेक्शन रहेगा। दूसरा, जब भी आप जाते हैं बाहर से आते हैं उस वक्त पे हाथ साबुन से धोया करें, गले में पानी लें, नाक साफ करें, चेहरा भी साफ करें, जैसे वजू बनाते हैं इतना कर लें, तो इसके लिए आपको प्रोटेक्शन रहेगा। आपकी जिम्मेदारी है आप आपके घर वालों को संभाल लें। ये जो एहतियात बरते जा रहे हैं, मास्क पहनने का, घरों में रहने का, साबुन से हाथ धोने का, इसका 100% इस पर अमल करें, वरना कोई चांस नहीं है इससे बचने का। डॉक्टर साहब, ये बताया जाता है कि COVID-19 नई वबा है, वायरस ये नया नया फैला है, हालांकि अगर हम लोग मुताला करें देखें तो तकरीबन 100 साल पहले वाली किताबों में भी इसका तस्करा है और सीधा अभी जो इन दिनों बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है किशू के डटाल के ऊपर भी कोरोना वायरस से मुतल्लिक कुछ इंडिकेशन हैं, तो ये पुराना होने के बावजूद इतनी नाकामी क्यों? नहीं, ये पुराना जरूर है लेकिन इंसानों में अभी फैला है। इसके पहले बैट्स में था, उनको ही आता था, जानवरों से खत्म हो जाता था, लेकिन अब ये जो म्यूटेशन हुआ है, कहते हैं कि बैट्स और सांप दोनों के म्यूटेशन से ये इंसानों में आ गया। अब तक इंसानों को इफेक्ट नहीं हुआ था, पहली बार है जो इंसानों को आया। इसके लिए इसका अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ, अभी शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसका इलाज आके टेस्ट करके मार्केट को आने तक कम से कम 1 साल लग जाएगा। तो ये भी बताया जा रहा है कि कोई वैक्सीन तैयार हो गई है कोरोना वायरस से मुताबिक, कोई दवाई रेडी है, तैयार है उसके इस्तेमाल से, तो एक तरफ ये बातें भी हैं, दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि इसके मुताबिक कोई दवाई तैयार नहीं है, तो हकीकत क्या है? कई दवाइयां आई हैं अभी ट्रेल में, कोई दवाई जब आती है पहले ट्रेल जानवरों पर होता है,
उन पे सक्सेस होने के बाद वॉलंटियर्स पे होता है, फिर उन पे सक्सेस होने के बाद इसको पास किया जाता है, क्योंकि कोई नई दवा आ गई अगर उसके कोई कॉम्प्लिकेशन हो गए तो फिर फायदे के बल उतना नुकसान होगा। ये ट्रेल करने की मुद्दत और उसके बाद मार्केट में आने की मुद्दत तकरीबन एक साल लगती है। वैक्सीन कब मिलेगा, जैसे आप वैक्सीन बना बन रहे वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन ऐसा नहीं कि अभी वैक्सीन दे दिया कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, जैसे कई वैक्सीन से कॉम्प्लिकेशन हुए ये हो गया तो बहुत खतरे की बात है। इसीलिए बहुत कॉशियसली ये मिलने के बाद कोशिश तो बहुत हो रही है कि जल्दी करें, लेकिन फिर भी नियर फ्यूचर में तो मुश्किल है। तो इसकी रोकथाम के सिलसिले में कोई डॉक्टरों की कोई मीटिंग हो, ऐसे यहाँ की इंतजामिया से मुलाकात करे, ऐसा कोई कहा है डॉक्टर साहब, लोगों की बेदारी से मुताबिक क्या किया जा सकता है? बहुत से डिबेट्स हो रहे हैं, टीवी पे हो रहे हैं, एनडीटीवी वाले कर रहे हैं, जनरल हमारे टीवी वाले भी बहुत से डिबेट्स कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सारे डॉक्टर्स, एम्स के डॉक्टर्स, हेल्थ मिनिस्ट्री के डॉक्टर्स सारे बता रहे हैं क्या हो रहा है, ये कि इस फील्ड पे इस चैनल पर जाकर देखना चाहिए क्या हो रहा है, नहीं तो अगर थोड़ा एजुकेटेड है तो इंटरनेट पे जा सकते हैं, तो सारे मालूम मिल जाए। डॉक्टर साहब, चूंकि आपका ताल्लुक बाकायदा सोशल एक्टिविटीज से भी है और कई खानदान इस हॉस्पिटल की बदौलत इनका गुजारा चल रहा है, चूंकि आप सोशल फील्ड जानते हैं, उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये लॉकडाउन से ज्यादातर जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते थे, मैं यहाँ गरीब नहीं बोलूंगा इसलिए कि गरीब एक हद तक इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहा है, मालदार अपनी जगह इत्मीनान की जिंदगी हो रही है, ये जो मिडिल मैन है मुतवस्सित तबका है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो इस खुसूस में अगर हम लोग बात करें तो उन पर जो असर हुआ है उनकी मजबूरियां हैं, तो इन मजबूरियों के अलावा अगर वो लोग बाहर आते हैं तो उसकी रोकथाम के सिलसिले में कोई खाका बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जाता है, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजर, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स, इनको सब मिला के बाकायदा प्लान करके, जैसे एक मोहल्ला लिया शिवाजी नगर, इसमें टाइमिंग फिक्स कर रहे हैं कि 10 से 12 तक ये मिलेगा, या 2-4 टाइम थे, सुबह में 2 घंटे, शाम में 2 घंटे, क्योंकि इस वक्त में आदमी बाहर निकल सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं और चीज़ें क्या मिल रही हैं उसको भी देखें, उसकी कीमत क्या है, कोई उससे गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं, ये करने से किया जा सकता है। और तीसरी बात, हमारे जितने भी डोनर्स हैं वो बिल्कुल उनकी मदद करें, उनको पैसे फाइनेंस से या फाइनेंस नहीं तो कुछ राशन खरीद के उनको देना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत मुश्किल होती है। मिडिल क्लास इनके पास रोज़ाना डे टू डे बेसिस पर जीते हैं, सडनली एक महीना बचना दिन उनको सैलरी नहीं मिले तो बहुत मुश्किल होगा। ये डॉक्टर शारिक साहब भी हमारे साथ हैं और यकीनन ये कुछ वक्त ही है हमारी कि ये भी एचबीएस से जुड़े हुए हैं और यहाँ के जो अक्सर सोशल एक्टिविटीज वगैरह जारी रहते हैं उसमें आपका एक सरगर्म किरदार रहता है, ये इत्तला है हमारे पास। तो डॉक्टर साहब, चूंकि आपके कवामी जिंदगी में एक अच्छा अमल दखल है आपका और लोगों के साथ अच्छा तालमेल भी है, तो आप जो मंजर देख रहे हैं तो मेडिकल के हवाले से इसे कैसे महसूस कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ चल रहा है आप लोग आगे बढ़ के कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो चीज आई हुई है ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी आजमाइश है और यही दुआ कीजिए कि ये आसानी से निकल जाए और सबकी सेहत बरकरार रहे। यकीनन ये एक बहुत बड़ी आजमाइश की चीज है, जिस तरीके से डॉक्टर्स, पुलिस, मीडिया वाले, जितने भी लोग आगे बढ़ के कोशिश कर रहे हैं कि इससे दूर हटे कुछ करें, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ज्यादातर ध्यान दे के कोशिश करके उस चीज को मान के अगर घर पे रहे। डॉक्टर साहब, चूंकि आपका ताल्लुक एक सोशल फील्ड से भी है, मेडिकल फील्ड से भी है, आप देखते होंगे कि जो मिडिल तबका हमारे साथ है, गरीब है वो कहीं हाथ फैलाकर अपनी जरूरत पूरी कर ले रहा है, मालदार है तो वो खर्च करके अपनी जरूरत पूरी कर ले रहा है, ये जो दरमियानी तबका है, रोजाना कमाने वाला जो तबका है हमारे सामने, कोई इलेक्ट्रिक का दुकान वाला है, कोई कारपेंटर है, कोई दुकान छोटी मोटी दुकान चलाने वाला, तो ये जो लॉकडाउन की वजह से उस पर इफेक्ट हुआ है ना, वो किसी के सामने, हाँ अलबत्ता राशन की तकसीम वगैरह हो रही है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, सब अपनी है, लेकिन वो खुलकर आया तब ना उसकी आइडेंटिफाई होगी, तो इस पर रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? जी, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा था इसके बारे में, राशन का फरोख्त वरोख्त हो रहा है, ऑलमोस्ट हर तबके के लोग निकल के आ रहे हैं जो अच्छे इसमें ज्वाइंट वेंचर करके, अभी एक मर्सी मिशन बोल के भी चल रहा है, उसमें तकरीबन लाखों फैमिलीज तक राशन पहुंचाई जा रही है। जहां तक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर कोई बीमार है हमारी हॉस्पिटल हमेशा खुला है, अगर वो तकलीफ में है हम लोग आगे बढ़ के जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं, यहां तक फ्री भी कोशिश करके उनका इलाज करके कर रहे हैं। ओनली पॉइंट इज सब लोग अगर जम के मिल के एक साथ रह के अगर करें, इंशाल्लाह ये वक्त भी टल जाएगा, अल्लाह के साथ से भरोसा रख के आगे बढ़ते रहें, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो यकीनन नाज़रीन, डॉक्टर ज़फ़रुल हक़ साहब हैं, डॉक्टर शारिक साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, जहां हम लोग कोविड-19 से मुतालिक डिस्कशन किए हैं, वहीं हमारे आसपास के सोशल
डिस्टेंसिंग से मुताबिक भी हमारी गुफ्तगु हुई और मुख्तलिफ मालूम हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफरुल्लाह साहब और डॉक्टर शारिक साहब कि आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त सर्व किया और हमारा काम किया।